चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ कि लड़कियों के लिए संगीत जो है एक सब्जेक्ट नहीं था एजुकेशन में, तो उन्होंने बहुत कोशिश करके और अपने ये जो स्कूल्स हैं इसमें लड़कियों के लिए म्यूज़िक एक ऑप्शनल सब्जेक्ट करवाया, और कोई क्वालिफाइड टीचर ही नहीं थी उनके अलावा पूरे राजस्थान में, तो शी वाज़ द ओनली फर्स्ट म्यूज़िक टीचर इन राजस्थान फॉर क्लासिकल म्यूज़िक फॉर गर्ल्स। फिर लड़कियां 10, 11, 12 और फिर पास हो गई तो कॉलेज पहुंची, तो कॉलेज में डिमांड हो गई, उन्होंने कहा नहीं हम तो 25 लड़कियां हैं, सब्जेक्ट खोलिए सितार, सब्जेक्ट खोलिए वोकल, तो वो यूनिवर्सिटी को कॉलेज डिपार्टमेंट को करना पड़ा। फिर कॉलेज डिपार्टमेंट में खुला, फिर यूनिवर्सिटी में खुला, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएट तक पहुँच गए स्टूडेंट। तो इस तरह से मेरी मदर को एक बहुत बड़ा श्रेय जाता है कि उन्होंने राजस्थान में म्यूज़िक को एक सब्जेक्ट के रूप में एस्टेब्लिश किया। एक बार हम लोग छत पर थे, हमारी 4 मंजिला जो हवेली थी जो हमारे राजा महाराजाओं ने हमको दी थी, तो उसमें छत पे हम लोग सब लोग पतंग उड़ा रहे थे और अचानक से पूरे बंदरों की सेना आ गई, लाल मुंह के बंदर आ गए, और हम साहब जो डर आया हमको, इतना डर लगा, वो बंदर आके ऐसे सबको डराने लगे और वहाँ से हमने ऐसा खाली किया छत, एक धड़ाधड़ सीढ़ियाँ उतर के और नीचे हम लोग सब आए, सबके रोंगटे खड़े हुए थे, सर चेहरे पे हवाई उड़ हुई थी और सब लोग मतलब एकदम डरे हुए थे, हम सारे के सारे बच्चे, वो मुझे याद है अभी तक, दहशत बड़ी थी। बस वोकल से ही हुई, मदर फादर जब वो लेके बैठते थे तानपुरा हारमोनियम तबला, तब उनके साथ थोड़ा थोड़ा स्वर लगाना शुरू हुआ। और फिर जब मैं करीब 13 साल का था तो मैंने सितार शुरू किया, क्योंकि मेरे बड़े भाई साहब शशि मोहन जी सितार के बहुत अच्छे वादक थे, तो इस तरह सितार किया। फिर मैंने 15-16 साल की उम्र में मैंने ये शुरू किया। फिर मतलब एक जर्मनी से एक युवती थी, वो गिटार प्लेयर थी, वो भारतीय शास्त्रीय संगीत सीखना चाहती थी, तो फादर के पास आई थी, तो उनसे मैंने, उनका जब वो जा रही थी तो वो साज खरीद लिया गिटार, और फिर मैं ऐसे ही खेल जैसे होता है कि बचपन में एक्सपेरिमेंट करने लगा उस पर, और नए तार लगाए, कुछ खूंटियाँ वूटियाँ अपनी तरफ से ऐड करी, तार जो उसमें होते हैं वो तार हटा दिए, और सितार सरोद के तार जो थे वो उसमें उस तरह से अरेंजमेंट करके लगाना शुरू किया। दैट वॉज द बिगिनिंग इन 1967, आज के करीब करीब 50 साल होने को आ रहे हैं, तब मैंने शुरुआत की थी, और तब इसमें इसका इंडियनाइजेशन का प्रोसेस शुरू हुआ, और फिर बाद में तुम्बा लगाया, 20 तार हो गए, और फिर इसका नाम मोहन वीणा पड़ गया।